Please subscribe the channel for more related videos. वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्टेप टर्निंग ऑपरेशन, कि स्टेप टर्निंग ऑपरेशन सीएनसी टर्निंग मशीन में किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। लेकिन टर्निंग ऑपरेशन सीखने से पहले हम देख लेते हैं कि जो सीएनसी टर्निंग मशीन है उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं कि सीएनसी टर्निंग मशीन का जो टूल होता है उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या क्या होते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। तो हमारे पास जो सीएनसी टर्निंग मशीन है उसमें दो तरीके की एक्सिस होती है, यानी जो टूल का मूवमेंट है वो दो एक्सिस में डिफाइंड होता है। एक एक्सिस होती है हमारी Z और दूसरी होती है हमारी X। ओके, तो सबसे पहले आपने जैसे जो नॉर्मल एक्सिस सिस्टम देखा होगा उसमें क्या होता था, इस तरीके की एक्सिस होती थी। इस वाली एक्सिस को हम बोलते थे X और ये वर्टिकल एक्सिस को हम बोलते थे Y। लेकिन जो हमारी सीएनसी टर्निंग मशीन है उसमें ये जो X है इट इज रिप्लेस विद Z एंड Y इज रिप्लेस्ड विद X। यानी कि X की जगह पर Z आ जाता है और Y की जगह पर X आ जाता है। तो जो CNC टर्निंग मशीन है उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरीके के होते हैं। यहाँ पर हमारा पॉजिटिव Z होता है, यहाँ पर नेगेटिव Z होता है, ऊपर की तरफ हमारा पॉजिटिव X होता है और नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव X होता है। और ये जो बीच वाला पॉइंट है ये हमारा टूल का ओरिजिन होता है। यानी कि अगर टूल इस पॉइंट से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे हम पॉजिटिव Z से डिफाइन करते हैं, और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको हम नेगेटिव Z से डिफाइन करेंगे। टूल ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारा X पॉजिटिव X से डिफाइन होगा, टूल नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस X से डिफाइन होगा। अब ये ओरिजिन होता कहाँ पर है, तो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर रॉड है जिसकी कुछ पर्टिकुलर लेंथ है, इसको हमने चक में क्लोज कर दिया। अब होगा क्या, इसकी सपोज जो लेंथ है वो 70 mm है, तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ये जो ओरिजिन है ये वाला, ये जो मैंने आपको यहाँ बताया जहाँ पर टूल का पोजीशन 0-0 होती है, वो हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसके एंड पॉइंट पर होती है। अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ तो 70 थी लेकिन अगर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर 80 mm की लेंथ कर दी, यानी जो न्यू ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ 80 mm है, तो उस केस में सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा। तो सॉफ्टवेयर को यानी सीएनसी मशीन को इस तरीके से पता चलता है, उसका जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है उसमें कुछ इनिशियल सेटिंग के टैब होते हैं, उस इनिशियल सेटिंग में हमें ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना होता है कि ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है, ऑब्जेक्ट का डायमीटर क्या है, इस तरीके से हमें उसको डिफाइन करना होता है ताकि जो सीएनसी मशीन है अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम उसके अकॉर्डिंग सेट कर सके। तो जब हम जैसे ही सीएनसी मशीन को स्टार्ट करेंगे हम उसमें ऑब्जेक्ट की लेंथ डाल देंगे यानी 70 mm डाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो उस कोऑर्डिनेट को यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, अदरवाइज वो चक पर होते हैं, बट जैसे ही हम डिफाइन करते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां से मूव हो जाएंगे और यहां से मूव होकर यहां पर आ जाएंगे, यानी कि इस पॉइंट पर जहां वो ऑब्जेक्ट एंड हो रहा है वो हमारा ये वाला पॉइंट कहलाता है। यानी कि जो आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम है, फॉर एग्जांपल ये अगर हमारा चक है, ये ब्लैक वाला हमारे चक को शो कर रहा है और रेड वाला हमारे ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है, तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो अब यहां पर आ जाएंगे, दिस, यानी कि ये पोर्शन यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, 0-0। ओके, अगर हमारा टूल इस डायरेक्शन में जाएगा तो वो हमारा पॉजिटिव जेड हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा तो नेगेटिव जेड हो जाएगा, यहां से ऊपर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव एक्स, नीचे की डायरेक्शन में जाएगा तो नेगेटिव एक्स। यानी जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो गए, हॉरिजेंटली जाने के लिए जेड होता है और वर्टिकली जाने के लिए X होता है। तो ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स, यानी कि X की जगह पर Z आ गया और Y की जगह पर X आ गया। बस आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, बाकी सारी चीजें कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह ही है। जिस तरीके से आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी जो आपकी मैथमेटिक्स में भी होता है, टूल बिल्कुल उसी तरीके से मूव करता है, यानी हमें जहां टूल को ले जाना है वहां के हमें कोऑर्डिनेट डालने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि यहां पर मेरा 0-0 है और मैंने कहा कि मेरा जो टूल है वो 5, 10 पर है, 5, 10 पर है, तो जो हमारा टूल होगा वो किस तरीके से होगा, ये हो गया 1, 2, 3, 4 और 5, ऊपर की तरफ 1, 2, 3, ... यहाँ पर कहीं 10 होगा फॉर एग्जाम्पल। तो ये वाली एक्सेस क्या शो करेगी हमारी Z, और ये वाली एक्सेस क्या शो करेगी हमारी X। तो Z की वैल्यू कितनी है, 5, यानी कि यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ, और ऊपर कितना होगा, ये क्या शो करता है हमारा X, तो 10 पर, तो यानी कि यहां, तो टूल हमारा कहां होगा, करीब यहां पर आ जाएगा टूल। ओके, तो ये हमारे टूल को शो कर देगा, यानी टूल हमारा कहीं यहां जाकर होगा। क्लियर हो गया कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम काम करता है सीएनसी मशीन का, ये मैं साफ कर देता हूं।
तो चलिए अब टर्निंग ऑपरेशन को समझ लेते हैं कि टर्निंग ऑपरेशन होता क्या है। एक्चुअली फेसिंग ऑपरेशन में हमने जो लास्ट वीडियो में सीखा था, फेसिंग ऑपरेशन में हम ऑब्जेक्ट की लेंथ को कम करते हैं बाय कटिंग द लेंथ। बट टर्निंग ऑपरेशन में हम डायमीटर को रिड्यूस करते हैं, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे जो रेड कलर से शो हो रहा है वो फाइनल ऑब्जेक्ट है, यानी कि मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। बट एक्चुअल में मशीनिंग ऑपरेशन होने से पहले वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके का था, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये चक हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। मशीनिंग ऑपरेशन होने के बाद वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, यानी उसका डायमीटर अलग अलग स्टेप में रिड्यूस कर दिया गया है। तो टर्निंग मशीन में होता क्या है, टूल का मूवमेंट किस तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा टूल है तो वो हमारे डायमीटर को कैसे कम करेगा, डायमीटर को कुछ इस तरीके से कम करेगा, वो यहां से टच करेगा और मशीनिंग करता हुआ आगे चला जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर, यानी मशीनिंग ऑपरेशन कुछ इस तरीके से परफॉर्म होगा, यहां से कट करना शुरू करेगा, मूव करेगा और ऊपर जाएगा, फिर वापस पीछे, फिर नीचे की साइड, फिर अगेन कटिंग करना शुरू करेगा, फिर ऊपर जाएगा। यानी कि टूल का मूवमेंट किस तरीके से होगा, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। यानी कि टूल नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर, यहाँ से टच करेगा और मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता चला जाएगा और वापस ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये हो गया हमारा टर्निंग ऑपरेशन। तो इस तरीके से हमारा टूल का मूवमेंट होता है, इसको हम यहाँ पर भी समझा देता हूँ। तो ये हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट है जिसका डायमीटर, फॉर एग्जाम्पल जो डायमीटर है इसका वो 25 mm है और लेंथ इसकी 70 mm है। तो इसमें टर्निंग ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म होगा, जो टूल है, फॉर एग्जांपल स्टेप टर्निंग अगर मैं कर रहा हूँ, तो सपोज फर्स्ट वाले की अगर मैं स्टेप टर्निंग कर रहा हूँ तो टूल मेरा इनिशियल स्टेज में यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ पर टूल होगा होम पोजीशन पर, उसको हम पास लेकर आएंगे और जब कटिंग करनी है तो हमें कटिंग इस डायरेक्शन में करनी है और फिर ऊपर की तरफ जाना है, तभी हमारी स्टेप टर्निंग होगी। तो टूल हमारा कुछ यहाँ से स्टार्ट करेगा यानी कि वो यहाँ पर टच करेगा ऑब्जेक्ट को, ये स्पिंडल रोटेट कर रहा है, यानी ये जो चक है रोटेट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट भी हमारा रोटेट करेगा और ये टूल हमारा इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जब ये टूल हमारा इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इतना मटीरियल रिमूव हो जाएगा और जब यहाँ पर आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया मेरा टूल कटिंग करता हुआ, तो अब ये ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, तो ये इसी तरीके से उतना ही मटीरियल यहाँ से भी रिमूव होगा। क्यों? क्योंकि ये रोटेट कर रहा है। क्लियर, यानी कि ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है और मैं यहां से कटिंग कर रहा हूं तो डायमीटर दोनों साइड से कम होगा। क्लियर हो गया, डायमीटर जो कम होगा वो दोनों साइड से कम हो जाएगा बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग। यानी कि इस वाले ऑपरेशन के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट रह जाएगा वो कुछ इस तरीके का रह जाएगा, यहां से यहां तक। क्लियर, यानी ये वाला पोर्शन इस वाले मशीनिंग स्टेप में रिमूव हो जाएगा, जो हैचिंग लाइन से शो रहा है उतना मटेरियल हमारा रिमूव हो जाएगा। तो ये तो था एक डेमोन्स्ट्रेशन कि टर्निंग ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म होता है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि इस वाले मशीनिंग ऑपरेशन के लिए जो डायमेंशन हमें डायग्राम में दी गई हैं उसके लिए पार्ट प्रोग्राम किस तरीके से लिखा जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं CNC स्टेप टर्निंग के लिए जो पार्ट प्रोग्राम है वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है। के बाद हम देख लेते हैं कि किस कोड का मीनिंग क्या है। तो जो इनिशियल स्टेज होगी मशीनिंग ऑपरेशन से पहले ऑब्जेक्ट की, वो कुछ इस तरीके से होगी, यानी आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से होगा इनिशियल स्टेज में और वो यहाँ से यहाँ तक होगा। यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट था वो मशीनिंग होने से पहले यहाँ से यहाँ तक था, बट मशीनिंग होने के बाद ये जो रेड कलर से आपको दिख पा रहा है वो कुछ इस तरीके का हो गया। तो एट द वेरी फर्स्ट स्टेज हम जो स्टेप लिखते हैं वो है हमारा इनिशियल सेटिंग के लिए, जैसे कि हमने फेसिंग ऑपरेशन में भी लिखा था G21 एंड G98, ये दोनों के दोनों हमारे इनिशियल सेटिंग्स के लिए होते हैं। G21 का मतलब होता है मैट्रिक डाटा इनपुट और ये G98 हमारे फीट वाली सेटिंग्स के लिए होता है, यानी कि जब हमें फीट की सेटिंग्स रखनी होती है, यानी अगर हमें फीट mm पर मिनट में लेनी है तो हम G98 यूज़ करेंगे, अगर हमें फीट mm पर रेवोल्यूशन में लेनी होगी तो हम इसकी जगह पर यूज़ करेंगे G97। क्लियर, तो जो सेकंड लाइन है हमारी वो शो करती है G28 U0 W0, जैसे हमने फेसिंग ऑपरेशन में भी देखा था। G28 का मतलब होता है टूल गोइंग होम पोजीशन। फॉर एग्जांपल प्रीवियस ऑपरेशन में अगर टूल हमारा बीच में कहीं रुक गया होगा किसी भी सपोज लाइट जाने की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो वो डैमेज को अवॉइड करने के लिए हम सबसे पहला कोड जो लिखते हैं
इनिशियल सेटिंग के बाद वो हमारा होता है टूल को होम पोजीशन पर भेजना, यानी कि टूल कहीं भी होगा वो अपनी होम पोजीशन पर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर उसकी होम पोजीशन यहाँ कहीं है तो वो यहाँ पर होम पोजीशन पर पहुँच जाएगा। तो जो हमारी दूसरी लाइन है T02M06 का क्या मतलब है, M06 का मतलब होता है टूल चेंज और T02 बता रहा है कि कौन से नंबर स्टेशन से वो चेंज होना चाहिए। तो जो टरेट होती है टर्निंग मशीन में उसमें बहुत सारे टूल्स लगे होते हैं, ये सपोज 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर 2 है, तो जैसे ही हम T02 लिखेंगे M06 यानी टूल चेंज होना है और कौन से नंबर से होना है 2 से, तो ये 2 वाला सामने की तरफ आ जाता है घूमकर और इसी से मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है। उसके बाद जो हमने लाइन लिखी है वो है स्पिंडल के रोटेशन के लिए, हमने लिखा है M03, M03 इज़ यूज फॉर स्पिंडल रोटेशन, और कितनी स्पीड से रोटेट करना है यानी एस का मतलब होता है स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो वो हमने लिखा है 1200, और 1200 क्या है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, स्पीड 1200 RPM यानी जो स्पीड होगी हमारी वो RPM में होगी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लाइन है वो है हमारी G00Z5X28 का मतलब क्या है, अगेन मैंने आपको पहले भी बता रखा है, तो जो टर्निंग मशीन में कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें हॉरिजेंटल प्लेन में हमारा अगर टूल मूव कर रहा है तो उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्टिकल मूवमेंट का अगर कर रहा है तो हम उसको X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है G00 का मतलब, यानी G00 का मतलब टूल फास्ट मूव करेगा विदाउट मशीनिंग ऑपरेशन। तो कितना और कहाँ मूव करेगा यानी कौन से कोऑर्डिनेट पर जाएगा, जहाँ पर Z की वैल्यू 2 हो और X की वैल्यू 26 हो, यानी कि अब जब हम इस टर्निंग ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे कहां पर आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे यहां पर आ जाएंगे, यहां पर, ठीक है। तो यहां पर इस पॉइंट पर हमारा टूल के कोऑर्डिनेट 0-0 होंगे। अगर टूल इस साइड जा रहा है तो पॉजिटिव जेड, इस पॉइंट से इस साइड आ रहा है तो नेगेटिव जेड, इस पॉइंट से ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव एक्स, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव एक्स। अब हमने यहां पर लिखा है Z5X28, तो Z यहाँ से थोड़ा सा दूर की तरफ जाएगा यानी 2 mm जाएगा, 2 mm यहाँ पर, और ऊपर कितना जाएगा 28, यानी कि इसका पूरा डायमीटर 25 था तो वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यानी थोड़ा यहाँ से इतना ऊपर 28, यानी अब जो टूल की पोजीशन है वो कुछ यहाँ पर होगी लाइक दिस, यानी टूल हमारा ऑब्जेक्ट के थोड़ा सा पास आ गया है। तो जो नेक्स्ट लाइन हमने लिखी है अगेन वो टूल को और पास लाने के लिए, यानी कि G00Z2, यानी कि पहले 5 पर था Z की वैल्यू, अब 2 पर आ गया है, तो उसके बाद X की वैल्यू भी घट गई है, पहले 28 पर था अब 26 पर आ गया है, लेकिन इसके साथ साथ हमने लिखा है M08 का मतलब होता है कूलेंट स्टार्ट, यानी कि वो टूल थोड़ा सा और पास आ जाएगा, इस पोजीशन से भी थोड़ा और पास आ जाएगा और कूलेंट ऑन हो जाएगा, यानी मशीन जो है वो कूलेंट को ऑन कर देगी। इसके बाद हम जो नेक्स्ट कोड लिखेंगे वो लिखेंगे G00X24.5। अब याद रखना है यहाँ से यहाँ तक 25 है, यानी कि ये पोर्शन पूरा का पूरा 25 है, लेकिन टूल हमारा कितना मूव कर रहा है X में 24.5, यानी कि 25 से 0.5 कम, यानी कि इस पोजीशन से थोड़ा सा नीचे आएगा टूल, ठीक है। तो कितने की डिस्टेंस पर है, 2 की डिस्टेंस पर, पिछले वाली लाइन में आपने देखा होगा कि Z की वैल्यू कितनी है 2, तो वो 2 पर ही रहेगा, यानी Z की वैल्यू तो 2 ही लेगा बट उसने यहाँ पर X की वैल्यू को कम कर दिया है, यानी कि टूल हमारा जो होगा वो कुछ इस पोजीशन पर होगा, यानी कि यहां पर होगा टूल हमारा, क्लियर। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस 25 है, 25 से थोड़ा सा नीचे है, क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू 24.5 है। अब आप कहोगे कि सर तो ये तो यहां से यहां तक 24 है, ये डायमेंशन को आधा लेकर चलता है, याद रखना, क्यों, क्योंकि डायमीटर पूरा है, इसी तरीके से वह टूल को भी आधा ही मूव करता है, ठीक है, टूल वो सिर्फ यहाँ तक मूव करता है, क्यों, क्योंकि ये सर्कुलर है और सर्कुलर में हाफ यानी उसके सेंटर तक जाने पर ही, टूल के सेंटर तक जाने पर ही ये जो ऑब्जेक्ट है टूल जब मूव करेगा उसके सेंटर तक जाने पर ही ऑब्जेक्ट कट जाएगा, वो हाफ डिस्टेंस चलता है और कटता दोनों साइड से, क्योंकि ये सर्कुलर है और ये रोटेट कर रहा होता है, इसलिए जब टूल इसके सेंटर तक पहुंचता है तो नीचे का पोर्शन ऑटोमेटिकली कट जाता है। तो जब टूल हमारा यहाँ पर आ गया है तो अभी तक इसने मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है, इसीलिए हमने जहाँ पर भी यूज़ किया है जी कोड वो G00 यूज़ किया है। बट इस लाइन के बाद यानी कि जहाँ जब टूल यहाँ पर आ गया है तो नेक्स्ट लाइन में जो हमने कोड यूज़ किया है वो है हमारा G01Z-35F45। G01 यानी कि G01 मतलब टूल जो मूव करेगा वो स्लोली मूव करेगा, लीनियर इंटरपोलेशन करेगा, और कहाँ तक जाएगा Z की -35 वैल्यू तक, क्लियर।
और कितना स्लो जाएगा वो फीड डिसाइड करती है। फीड ने बता दिया कि 45 mm पर मिनट की स्पीड से टूल ट्रैवल करेगा, क्लियर। और कहां तक जाएगा, Z में -35 तक। तो अब टूल मेरा यहां पर है, ये मूव करना स्टार्ट करेगा, यानी कि जो ये मेरा टूल है वो यहां से स्टार्ट करना शुरू करेगा। जब यहां से इस पॉइंट पर आएगा यहां पर, तो यहां पर Z की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस कोऑर्डिनेट पर यहां पर Z की वैल्यू जीरो होगी, क्लियर। अब यहां से वो मूव करना शुरू करेगा, कितनी डिस्टेंस तक जाएगा, -35। और देखो उसने बता रखा है यहां पर 35 यहां तक होगा, यानी कि वो यहां तक मूव करेगा, यानी कि टूल कुछ इस तरीके से मूव करेगा। ये यहां पर आ गया, 35 पर आ गया। इस लाइन को अगर हम फॉलो करते हैं तो टूल हमारा यहां पर आ गया, यानी कि इस पॉइंट पर, क्लियर। अब टूल मेरा, टूल की जो टिप है वो इस जगह पर है, यहां पर है टूल की टिप, क्लियर। टूल की जो टिप है वो यहां पर है। अब यहां से जब टूल ऊपर की तरफ जाएगा तो भी वो ऑब्जेक्ट से टच रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट से टच हो रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होगा, ये रॉड रोटेट कर रही होगी, और टूल अभी भी जब यहां से ऊपर की तरफ जाएगा तो वो इस पोर्शन पर, ये वाले पोर्शन पर टच कर रहा होगा यहां पर। इसलिए अगेन जो हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे वो भी G01 के साथ ही लिखेंगे, ताकि टूल स्लोली स्लोली मूव करे और टूल को कोई डैमेज ना हो। और एक्स की वैल्यू हम कितनी देंगे, X 26, यानी कि यहां पर अगर आएगा जब ऊपर कितना मूव करेगा, 26, वो इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही लेगा, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम से जो हमारा यहां पर सेट हो रखा है। तो यहां से अकॉर्डिंग वो 26 रहेगा, यानी यहां से थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अभी जो वैल्यू है एक्स की वो कितनी है, 24.5, यानी कि टूल हमारा कहां पर आ गया, अब यहां पर आ गया ऊपर की तरफ जब मूव किया, क्लियर। तो अगेन अब मुझे और रिड्यूस करना है डायमीटर, क्योंकि मुझे यहां तक रिड्यूस करना है इस वाले के लिए यहां तक। तो अगेन मैं डायमीटर को और थोड़ा सा कम कर दूंगा। तो अगली लाइन में हमने फिर से वही किया, लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा, ये जो टूल मेरा यहां पर था उसको पहले मैं यहां लेकर जाऊंगा फिर नीचे लेकर आऊंगा। तो जो टूल यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और यहां से नीचे तक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसमें वो मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो हम उसमें G00 यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहां पर कोड यूज किया है G00Z2, यानी कि Z यहां से यहां तक आएगा, Z0 हो जाएगा थोड़ा सा और इधर, यानी 2 डिस्टेंस तक आ गया। अगली लाइन में हमने फिर से क्या यूज किया, G00X23.5, यानी कि पहले 24.5 पर था, अब थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एक साथ मटेरियल को रिमूव नहीं कर सकते, उससे टूल डैमेज हो जाता है, हम थोड़ा थोड़ा करके मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में हमने यहां पर, इस वाली लाइन में हमने क्या किया, डायमीटर को और थोड़ा सा रिड्यूस किया। अब हमारा टूल यहां पर कहीं आ गया, यहां पर कहीं आ गया। तो अब जब वो यहां से यहां की तरफ मूव करेगा तो इतना मटेरियल रिमूव होगा यहां से यहां तक, और टूल हमारा यहां कहीं आ जाएगा। तो उसके लिए हमने फिर से G01 यूज किया, क्योंकि कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा। और X की कितनी वैल्यू तक जाएगा, 35 तक, F 45, फीड कितनी रहेगी, ठीक। अगेन जब वो यहां पर आ गया टूल, इस पॉइंट पर आ गया, तो यहां से जब ऊपर जाएगा, इस पॉइंट से जब ऊपर जाएगा, फिर से वो टच होता हुआ जाएगा ऑब्जेक्ट से। तो इसलिए हमने अगेन G01 यूज किया, X 26, F 45, तो वो ऊपर आ गया टूल। अगेन इसको यहां से यहां लेकर जाएंगे टूल को, यानी कि टूल का मूवमेंट है वो इस तरीके से हो रहा है, क्लियर। तो अगेन हम टूल को दूर लेकर जाएंगे, तो फिर से हमने G00Z2 लिखा, ताकि टूल हमारे यहां से यहां पहुंच जाए, उसको फिर नीचे लेकर आएंगे। तो फिर हमने यहां पर कोड लिखा G00X22.5। अब ध्यान दीजिएगा, पहले सबसे पहले वाले स्टेप में क्या था, 24.5, नेक्स्ट स्टेप में क्या था, 23.5, अब इस वाले स्टेप में क्या है, 22.5, यानी कि हम 1 mm का डेप्थ ऑफ कट लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले वाले में हमने 5.5 mm का रखा, उसके बाद फिर 1 mm का, फिर अगेन 1 mm का, यानी हम थोड़ा थोड़ा करके मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं। तो टूल हमारा अब यहां पर आ चुका है, इस पॉइंट पर, अब वो यहां से मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू करेगा। टूल यहां पर आ जाएगा इस कॉर्नर पर, यहां से जब वो ऊपर जाएगा तो वो इससे टच होता हुआ जाएगा, क्लियर। तो यहां से यहां तक आने में भी वो मशीनिंग ऑपरेशन कर रहा है, और यहां से यहां तक जाने में भी मशीनिंग ऑपरेशन कर रहा है। तो इसलिए हमने नेक्स्ट जो स्टेप लिखे हैं वो G01Z में कहां तक जाएगा, -35 तक, यानी यहां से यहां तक -35 तक जाएगा, और ऊपर जब जाएगा तो 26 तक जाएगा। तो फिर से हमने लिखा G01X26 feet 45, तो वो टूल फिर से वहां आ गया। अगेन फिर वो यहां लेकर जाएंगे, फिर नीचे लेकर आएंगे। तो अगेन फिर से हमने ये किया, G00Z2 उधर लेकर गए, और G00X21.5 नीचे लेकर आए। 21.5 मतलब कहां तक का ऑब्जेक्ट को कट करना है, यानी अब हमने थोड़ा सा और नीचे लेकर आ गए, यानी यहां कहीं लेकर आ गए ऑब्जेक्ट को, यानी यहां कहीं हम टूल को लेकर आ गए।
क्लियर। अब ये टूल हमारा यहां से यहां मूव करेगा और फिर ऊपर जाएगा, याद रखना। अब टूल हमारा यहां से यहां तक ही मूव करेगा, यानी कि जो मूवमेंट होगा टूल का वो ये वाला होगा और यहीं तक आएगा। तो अब जो टूल यहां से यहां तक मूव करेगा तो वो सिर्फ 70 mm की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि हमें स्टेप इस तरीके का ही बनाना है। इससे आगे का हमें कटिंग नहीं करनी है, हमें यहीं तक कटिंग करनी है, फिर उसको ऊपर लेकर जाना है। तो यहां से यहां तक आने में भी वो मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और जब यहां से ऊपर की तरफ जाएगा तब भी वो उसको यहां से यहां तक इतने पोर्शन को तो टच करता हुआ जाएगा ही, इतने पोर्शन को। तो हमने जो नेक्स्ट लाइन में जो कोड लिखे हैं वो है G01 मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, क्योंकि यहां से यहां तक आने में तो Z में कितना जाएगा -17। क्लियर, क्यों? क्योंकि ये जो स्टेप बनाना है ये वाला 17 की डिस्टेंस का है। तो फीड कितनी होगी 45, यानी स्पीड कितनी होनी चाहिए। अगली लाइन में G01 X23, यानी मशीनिंग ऑपरेशन तो परफॉर्म करेगा ही, लेकिन जब ऊपर जा रहा होगा, यानी क्योंकि X लिखा है हमने यहां पर 23, यानी X की वैल्यू बढ़ रही है। क्लियर, अब X23 क्यों लिखा, 26 क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि ये वाला जो मटेरियल है ये ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, यानी वो यहाँ से यहाँ तक भी जाएगा ना, तो यहाँ मटेरियल नहीं है अब, क्योंकि इससे पिछले वाले स्टेप में हमने वो रिमूव कर दिया था। ठीक, तो अब यहाँ जाएगा तो हम इसको यहीं तक मूव कराएंगे। तो नेक्स्ट लाइन में हमने जब टूल हमारा ऊपर आ गया थोड़ा सा यहाँ पर, तो हमने लिखा G00Z2, यानी इसको हम वापस से पीछे लेकर आए, फिर नीचे लेकर आएंगे G00X20.5 का मतलब थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा यहाँ कहीं पर। क्लियर, फिर से वही चीज रिपीट होगी, ये टूल इधर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर नीचे आएगा। तो वही चीज हमने यहाँ पर फिर से रिपीट की है, Z में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, -17 अंदर की तरफ, देन ऊपर की तरफ जाएगा, देन उसको फिर इधर लेकर जाएंगे, देन फिर से नीचे लेकर आएंगे। तो ये फाइनल स्टेप है, क्यों? क्योंकि उसका डायमीटर ही हमने इतना बनाना था 19.5, तो अब हम उसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे और अगेन फिर से मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब टूल हमारा यहां पर आ गया है, इस पॉइंट पर, यहां पर, अब वो इस वाले पाथ को फॉलो करता हुआ आएगा जो कि फाइनल स्टेप है। क्लियर, तो G01 Z-17 तक आएगा, यानी यहां का ही टूल आ गया होगा यहां पर। अब वो यहां से ऊपर लेकर जाएंगे, तो ऊपर लेकर जाने के लिए हमने G01 लिखा, X23, यानी कि 23 तक चला जाएगा, यहां पर कहीं आ जाएगा, ऊपर जब मूव करेगा तो यहां पर कहीं आ जाएगा टून, यहां पर। इसके बाद हमने लिखा G00Z2, यानी कि अब इसको यहां से यहां लेकर आएंगे, देन G00X26 और Z5 का मतलब थोड़ा सा पीछे जाएगा और X26 पर जाएगा, यानी अब वो यहाँ पर आ गया इस वाली पोजीशन पर। तो वहाँ पर हमने M09 यूज़ कर लिया है। M09 का मतलब क्या है कि जो कूलेंट था वो हमारा ऑफ हो गया था। M08 का मतलब कूलेंट ऑन होना है, यानी कूलेंट मशीनिंग ऑपरेशन से पहले, यहाँ से मशीनिंग ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था उससे पहले हमने कूलेंट को ऑन कर दिया था, और मशीनिंग ऑपरेशन यहाँ पर अगर ख़त्म हुआ है तो उसके बाद हमने कूलेंट को ऑफ कर दिया है। क्लियर, उसके बाद हमने लिखा G28 U0 W0। 28 का मतलब क्या है, G28 का मतलब टूल गोइंग होम पोजिशन, U0 W0 मतलब ग्लोबल कोऑर्डिनेट, यानी कि वो टूल अब अपनी होम पोजीशन पर चला जाएगा जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, यानी ये वाली पोजीशन यहाँ से उसने स्टार्ट किया था, तो वो अब अपनी होम पोजीशन पर चला जाएगा। उसके बाद हमने कोड यूज़ किया M05, यानी कि स्पिंडल जो रोटेट कर रहा था अब वो स्टॉप कर जाएगा, और M30 कोड को यूज़ कर हमने प्रोग्राम को बता दिया है, यानी CNC मशीन को बता दिया है कि हमारा प्रोग्राम एंड हो चुका है, ताकि वो मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। Thank you for watching. Please subscribe the channel for more related videos.